बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अंडे और ब्रेड का हलवा बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ मैं आपको बताती हूँ उसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए चीनी, चाहिए मुझे तकरीबन 10 से 12 चम्मच लेंगे हम चीनी, या आप अपने हस्बैंड जायका ले लें। एक बड़ी ब्रेड ले ली थी मैंने, उसके साइड कॉर्नर्स वगैरह सारे उतार के उसको तोड़ लिया है, और एक क्रीम का पैकेट लिया है, और एक पाव दूध चाहिए मुझे, पाव का पैकेट चाहिए, 3 अदर अंडे चाहिए, एक पैकेट खुश दूध चाहिए मुझे, थोड़े से ड्राई फ्रूट चाहिए, सब्ज़ इलायची चाहिए 4 अदद, और खोपरा चाहिए, और घी भी इसमें जाएगा हलवा बनाने के लिए। तो चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पैन को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें 1 कप घी डाल देंगे। अब घी कड़कड़ा गया है, सही गर्म हो गया। अब इसमें हम इलायचियां डाल देंगे, 4-5 इलायचियां डाल के इसको कड़कड़ा लेंगे। अभी इलायचियों को हमने इसमें कड़कड़ा लिया है। अब मैंने जो ब्रेड तोड़ के रखी हुई थी वो मैं सारी इसमें डाल दूंगी। डाल के ब्रेड को मैंने अच्छे से सुर्ख कर लेना। अब चम्मच को नहीं छोड़ना और मुसलसल इसको चला के सुर्ख कर लेना घी में। चम्मच नहीं छोड़ना, नहीं तो ब्रेड आपकी जल जाएगी। हमने इसको जलाना नहीं है। मुसलसल चम्मच हिला के मैं इसको भून रही हूँ ब्रेड को। जब इसमें से भुनी हुई ब्रेड की खुशबू आएगी तो फिर हम इसमें अगला स्टेप करेंगे। अब 1 पाव दूध में, 1 पाव दूध का जो पैकेट था वो, 3 अंडे और 12 चम्मच चीनी मैंने लेके अच्छी तरह इसको विस्क से फेंट लिया, अच्छी तरह फेंट लिया है, बिल्कुल इसमें चीनी डिजॉल्व हो गई है। अब ये इसको हम अंडों में डालें, ब्रेड में डालेंगे। सी रेड हो गई है, अब मैं इसमें ये मिक्सचर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, इतना भूनूंगी, चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना, इतना भूनूंगी कि घी अलहदा हो जाए हलवे से। अब हम इसकी अच्छे से 5-10 मिनट तक भुनाई करेंगे, जब तक घी अलहदा ना हो जाए, तो फिर आपसे आके मिलती हूँ मैं। अभी इसको देखें, मुसलसल भुनाई करते हुए ये देखें ऑयल घी आ रहा है थोड़ा सा। अभी थोड़ी देर हम इसको और भूनेंगे। अब ये देखें हलवे ने घी छोड़ दिया साइडों पे। अब इस स्टेज पे हमने आधा पैकेट क्रीम का डाल देना है। अब इसको भूनना। देखें क्रीम भी सारी इसमें मिक्स हो गई है। इस स्टेज पे हम अब इसमें सूखा दूध डाल देंगे और इसको भी अच्छे से फोल्ड कर लेंगे हलवे को सारे को बीच में। इससे बहुत अच्छा खोए का टेस्ट आता है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप दूध ऐड कर लें और इसको थोड़ा सा भून लें। अब इस स्टेज पे हम इसमें ड्राई फ्रूट अपने ऐड करेंगे। मेरे पास बादाम और खोपरा है, आपके पास जो भी हो ड्राई फ्रूट आप वो इसमें ऐड कर दें, पिस्ते हों और बादाम वगैरह जो चीज़ हो आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें डाल दें।
तो ये ब्रेड का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप आइए, हम आपको इसको डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए, हमने सारा डिश आउट कर लिया है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपको किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।